रेशियो उसके बराबर ही हो, जिससे क्या होता है कि मान लीजिए 10 ट्रेड में आपने प्रॉफिट कमाया, 4 में नुकसान कर लिया, तब भी आपकी जो 6 है ट्रेड वो आपकी फायदे में, तो आप प्रॉफिट में रहोगे 6 ट्रेड। मैं भी यही है, इसी तरीके से कलावाज जा के जा धीरे धीरे सीखना जरूरी है, बात कार्ड की वृद्धि है। तो जब भी आपको खाली टाइम मिले इस फेसबुक पे वीडियो देखने के बजाय आप इन चीजों में कहा था वीडियो बना के डालेंगे वाला, एक ऐसी चीज है जिसको आप सीख रहे थे। आज की डेट में हम जो पूरी आवरण देखते हैं किसी भी चीज का बिजनेस देखते हैं, रिलायंस कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है या विप्रो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है, आपकी डेट में आप एक बहुत सिंपल सी बात है, आज की डेट में बाइंग पावर कम हुई है, लोग बाई नहीं कर रहे हैं सामान। आप किसी भी मॉल में जाओ तो आपको पता चलेगा दुकानों में सन्नाटा बस रहा है, कहीं कोई बाइंग नहीं हो रही, फिर कंपनीज के शेयर कैसे बढ़ रहे हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है कि आज मार्केट कोरोना के बाद ऑल टाइम हाई पे, इंडियन एक्सचेंज जो है सारी ऑल टाइम हाई पे, तो ये कैसे पॉसिबल है जब लोग सामान ही नहीं खरीद रहे, लोगों के पास बाइंग पावर नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, वो खरीद नहीं पा रहे चीज, उसके बावजूद मार्केट ऑल टाइम हाई पे। तो इसका मतलब जो हम लोग देखते हैं, जो चीजें हम लोगों को दिखाई जाती है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनीज जो मेन एक प्रॉफिट कमाने का जरिया होता है वो शेयर मार्केट, तो शेयर मार्केट को मैनिपुलेशन करते हैं, शेयर मार्केट में और वहीं से क्योंकि क्या होता है 50% कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी के शेयर वैल्यूएशन बढ़ रही है, कंपनी भले ही ना चल रही हो, प्रोडक्ट भले ही ना बिक रहा हो, लेकिन अगर कंपनी के शेयर ग्रोथ हो रहा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। जिस तरीके से ही थोड़ी हमने बिटकॉइन भले ही यूटिलाइजेशन मार्केट बना हुआ हो लेकिन आज ऊपर बिटकॉइन 2000 रुपये आपने लिया था, आपका 40,000 रुपये बिक रहा है, तो आपका तो प्रॉफिट हो रहा है ना, तो अल्टीमेटली जो होल्डर है उसका तो प्रॉफिट हो रहा है, जो जो यूटिलाइजेशन है वो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि पूरा गेम जो है वो मार्केट से ही होता है, सारी इकोनॉमी वहीं से चलती है, जहाँ पे हम लोग ग्राफ देखते हैं, जो धरातल पे हम लोगों को दिखाया जाता है उससे उस चीज़ का कोई लेना देना नहीं। कभी कभार थोड़ा बहुत फर्क जरूर होता है शेयर्स में, कोई बड़ी न्यूज़ आती है कि रिलायंस को ये टेकअप मिल गया, रिलायंस को टेकअप मिल गया, तो उससे क्या होता है उसके शेयर की वैल्यू चलती है, लेकिन जो एक्सचेंज भी होता है, ट्रेडिंग भी होता है, कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी हो या छोटी से छोटी कंपनी, उसका जो मेन प्रॉफिट मेन लॉस होते हैं वो सारे फाइनेंस मार्केट को, करेंसी मार्केट, ये सारी चीजें। अगर आप ये नॉलेज में रहते हैं तो आपकी पकड़ कहीं ना कहीं कारोबार में भी लगाओगे, ये सोच के लगाओगे आप किसी तरीके से गेम कर सकते हो, जैसे कि बड़े लोग कभी चीज खरीद के बेचो तो ये सोच के खरीद के बेचो कि आप लोग डेवलप कर सकते हो, सक्सेस नहीं करते उसके बाद सक्सेस कुछ समझे नहीं मिल पाते, उसके लिए 50 साल यहाँ 20 साल खर्च करके आप डाल कर, तो यहाँ पे आप एक दिन में नहीं सीख सकते। ये हम लोग को समझने की जरूरत है कि जब पैसा पैसे की बात आती है तो हम बड़े जल्दबाजी में रहते हैं कि लगता है कि हम एक घंटे में ही पैसा डबल कर लेंगे अपना, तो उसी में चूक होती है, उसी में गलती होती है और उसी में हम अपना नुकसान करते हैं। तो ये भी उसी तरीके से प्रोफेशन है, इसको भी टाइम देना पड़ेगा, इसकी ये सीखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे आप पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग आज की डेट में एक एग्जाम्पल आपके सामने, किसी काम की जरूरत नहीं है यहाँ जब भी आता हूँ तो काम नहीं कर पाता, पता नहीं क्या है मेरा जो है वो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और मैं दूसरे कामों में लग जाता हूँ, लेकिन जो पैसे वाला काम है वो नहीं कर पाता हूँ। तो आज बड़े दिनों बाद आपके सर के ऊपर से जाती है, ये भी आपके सर के ऊपर से जाएगी, इसको भी पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, आप चीजों में परफेक्शन पाओगे, और यहाँ पे बिना परफेक्शन के घुसने का मतलब तो वो नहीं करना है, चीजों को सीखना बहुत जरूरी है। तो जल्दबाजी में मत रहिए, अभी बहुत टाइम है। वैसे ही हम लोग अपनी बहुत सारी जिंदगी बेकार में गुजार देते हैं, कहीं नौकरी करके गुजारते हैं, कहीं खाली बैठ के गुजार देते हैं, यहाँ पर भी थोड़ा टाइम देने की जरूरत है। जब बटन दबाने में आपकी उंगलियां हिलना या दिमाग में कई सारे विचार ना आए, तब समझ लीजिए परफेक्शन आ गया। जब तक वो आपका बटन दबाने में दर्द होता है ना कि क्या होगा क्या होगा,
छह महीने लगभग हो रहे हैं, जो रिन्यूअल है वो अभी आने वाले 10-15 दिनों में रिन्यूअल मेरे और काफी सारे जो स्टार्टिंग की मेरी मतलब फिर से अपना जो नया टर्नओवर नया दौर शुरू होगा, छह महीने का कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी के साथ था वो उनको कम चुका होगा, जो एक पैसा छह महीने में डबल होता था वो ऑलरेडी हो चुका है और उससे ज्यादा हो चुका है रीजन कि मिडवाइफ में पैसा मिला था जिसने नहीं बेचा है उसका और चार गुना हो गया। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज रही इस कंपनी के साथ कि जो भी मिडवाइफ जो लोगों ने अपनी वॉलेट में रखा उनका पैसा कंपनी ने तो दूना किया मिडवाइफ की वजह से वो और चार गुना हो गया। तो एक बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव अप्रोच रही कंपनी की स्टार्टिंग और कंपनी ने जिन जिन चीजों पर बातें की जो जो चीजें हम लोगों को बताई कि इस तरीके से ऐसा होगा इस तरीके से ऐसा होगा वो चीजें होती हुई दिख रही, चाहे वो आज की डेट में आए हुए नए फंड हो, इंडेक्स फंड हो या रियल लाइफ फंड हो, जो कंपनी ने बताया था कि ग्रोथ होगी और उससे ज्यादा ग्रोथ होगी जो आरएनडी फंड में हम लोग नहीं ले पा रहे, तो उस ग्रोथ से ज्यादा ग्रोथ आज की डेट में हम लोग को आरएनडी और एसआईपी में मिल रही है। एसआईपी में आज की डेट में 100% की ग्रोथ हो चुकी है ऑलरेडी, जिन लोगों ने स्टार्टिंग में एसआईपी किया था 0.9.8 0.5 और आज की डेट में उनको $1 या $1.7 में उनको बेचा जा रहा है, जिसका मतलब आपका ऑलमोस्ट 100% प्रॉफिट इंक्रीज भी हो चुका है। दूसरी तरफ आरएनडी जिसने हमारे नॉर्मल स्कोर दी है जहाँ पे ₹2 से स्टार्टिंग हुई थी आज की डेट में ₹14 के आसपास रेट पहुँच रहा है, तो एक स्टेबल ग्रोथ हो रही है। देखिए होता क्या ना कि जो मैनिपुलेशन वाले कॉइन होते हैं मैनिपुलेशन करना बहुत आसान होता है, आगे आप एक बिटकॉइन एक्सचेंज में डाल के 10 बार ट्रेड करोगे 10 बार 10 अभी किसी का वॉल्यूम है इस हर आदमी को पता, लेकिन ये कंपनी मैनिपुलेशन में बिलीव नहीं करती कि कंपनी का एंटी है और जो भी चीजें आज की डेट में एक्सचेंज में हो रही वो रियल है, उसमें कंपनी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये यूजर्स हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये आउटसाइडर यूजर्स हैं या इनसाइडर यूजर्स हैं जो भी हैं वो लोग ट्रेड कर रहे हैं, उन लोगों का प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है इसलिए रेट बढ़ रहा है। जो रेट हम लोग बढ़ता हुआ देख रहे हैं इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है प्रोजेक्ट का आना, ज्यादा हम लोग को अभी ध्यान वहाँ पे देने की जरूरत नहीं की वहाँ क्या है, कुछ लोग बोलते हैं क्वाइन मार्केट कैप पे नहीं है, यहाँ नहीं वहाँ नहीं है, सर इन्हीं सब चीजों की वजह से हम लोग राइट टाइम पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं अच्छी चीजों क्योंकि जो अच्छी कंपनियां होती हैं उनको दिखावे की जरूरत नहीं, वो लोग अपने प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो उसी तरीके से जो लोग पढ़ाई वाले लोग होते हैं उनको दिखाना नहीं पड़ता किसी को कि हम कितनी देर पढ़ते हैं, वो उस टाइम पढ़ते हैं जब उनको जानना क्योंकि उनका एम क्या होता है पढ़ाई करना और पढ़ाई करके एग्जाम पास करके अव्वल नंबर लाना, तो उसी तरीके से जो अच्छी दिखावे की जरूरत नहीं वो लोग अपने बिजनेस पे ध्यान देते हैं, चीजें अपने आप होने माहौल अपने आप बनने लगता है, चीजें अपने आप होने लगती है और सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंग होती है। तो ये चीजें हमको ध्यान में रखनी चाहिए, जो चीजें जो कंपनी बहुत ज्यादा दिखावा करती है उनको दिखावा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उनके प्रोजेक्ट में दम नहीं होता। भाई आप दिखावा क्यों करते हो, अगर आपके पास पैसा है तो आपको दिखावे की जरूरत नहीं, मेरा दोस्त तो यार मेरे पास तो पैसा आई है, जब एक बार आपके पास $1 million आपके अकाउंट में होगा तो आपके लिए वो नॉर्मल हो जाएगा कुछ दिन बाद, फिर आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं और दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे अकाउंट में $1 million, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो वही सबसे ज्यादा दिखावा करता है, वही लोन पे गाड़ियां लेता है, वही लोन पे मकान लेता है, वही लोन पे टीवी भी लेता है दिखावा करने के लिए, दिखाने के लिए जो भी अच्छी कंपनी होती है अच्छी कंपनी आज तक आप लोगों ने 6 महीने में देखा होगा कंपनी ने कहीं पे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया, कंपनी ने कहीं पे कोई प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं की, क्यों नहीं की, कंपनी अपना काम बिजनेस से कर रही है, उनका जो मेन बिजनेस है उस बिजनेस पे वो लोग ध्यान दे रहे हैं, दिखावे पे नहीं जा रहे और उस चीज को हम लोग आज की डेट में देख पा रहे हैं कि कंपनी की ग्रोथ किस तरीके से स्टेडी ग्रोथ हो रही है और ऊपर ही जा रही है, दूसरी कंपनियों में क्या होता है ऐसे जाती है और ऐसे गिर जाती है, तो यहाँ पे स्टेडी ग्रोथ हो रही है जैसे कि मार्केट में होती है, तो एक बहुत ही अच्छी कंपनी से हमको बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और आज की डेट में एक ऐसा एनवायरमेंट बन रहा है, एक ऐसा और बन रहा है पूरी मार्केट में की फोन कर कर कि भाई मुझे ज्वाइन करनी है, मुझे ज्वाइन करनी बताइए कितनी कंपनी कर दोगे, तो ये बहुत इस माहौल को सारे लीडर्स फायदा उठा सकते हैं आज के लिए हुए आर्बिट्रेज से जुड़े हुए।
100% का प्रॉफिट है, पिछले 90 दिनों में 200% का प्रॉफिट है, पिछले 30 दिनों में लगभग 100% का प्रॉफिट है, 96 और 24 घंटे में लगभग 1% का प्रॉफिट है।
तो यहाँ पे हम परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो ये जो नीली लाइन आप देख रहे हो ये इंडेक्स फंड की है, जो लाल लाइन है वो क्वाइन मार्केट कैप की है, और जो येलो लाइन है वो बिटकॉइन की। तो आप देख सकते हो बिटकॉइन की ग्रोथ, मार्केट की ग्रोथ और इंडेक्स फंड की ग्रोथ, इतना ज्यादा डिफरेंस है। एक छोटा मोटा डिफरेंस भी नहीं, एक बहुत ही ह्यूज गैप, बहुत ही ह्यूज गैप है। तो इसका रीजन क्या होता है कि कंपनी जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से पैसा लगा। तो जैसे आप देखिए कि यहाँ पे दिख रहा है बिटकॉइन में -19%, तो -19% मतलब कि पहले यहाँ पे 75% के ऊपर पैसा बिटकॉइन में लगा हुआ था, सिर्फ बिटकॉइन, जब बिटकॉइन बढ़ रहा था, और ये पैसा लगा हुआ था जब बिटकॉइन आने जाता था। आज की डेट में जब बिटकॉइन 40,000 पहुंचा है तो कंपनी ने उसमें से लगभग 20% पैसा शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट कहाँ कर दिया, ये देखिए, इथोरियम में 10% शिफ्ट किया, XRP में 4, Chainlink में 1%, Bitcoin Cash में 0.2%। तो इस तरीके से पूरी मार्केट में आप देख सकते हैं जो ग्रीन है वहां पे कितना प्लस हुआ है, जो रेड है वहां पे कितना